जब देश का उद्योगपति अमीर बैंक से लोन लेता है, जब वो नहीं दे पाता है तब वो परेशान होता है, तो अमीर जब कहता है बैंक से कि हम नहीं लोन देंगे, तो बैंक वाला सरकार से कहता है कि ये लोन लिया है 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, ये नहीं दे पा रहा है, ये कह रहा है कि हम नहीं देंगे, तो सरकार उसको संज्ञान में लेकर के ऐसे अमीरों को डिफाल्टर घोषित करती है और लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देती है। अब वहीं जब ये किसान है, ये भी परेशान है, और घरेलू बिजली के बिल को लेकर के पूरे प्रदेश का गरीब परेशान है, तो ये दोनों बिल ना दे पा रहे हैं, ना वो किसान कर्जा दे पा रहा है, दोनों परेशान हैं, तो इन दोनों को डिफाल्टर घोषित करके सरकार को इनके भी कर्जे माफ कर देना चाहिए। जिस तरह अमीरों के कर्जे डिफाल्टर घोषित करके लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी तरह गरीबों के भी, किसानों के भी जो कर्जे हैं उसको भी सरकार को माफ करना चाहिए। जो दाल, तेल, मसाला, सारी चीजें, अब गैस सिलेंडर की बात ले लीजिए, 350 में गैस सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी चूड़ी पहन के, चूड़ी लेके गैस सिलेंडर रख के गाना गा रही थी, गीत सुना रही थी पूरे देश को। आज 350 से बढ़कर के वो गैस सिलेंडर 1150 के आसपास हो गया। आज उनको गैस सिलेंडर ये नहीं दिखाई दे रहा है, चूँकि सत्ता में ही, जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तब दिखाई देता है, सत्ता में आने के बाद इन लोगों को दिखाई नहीं देता है।